रैंसमवेयर नाम है मेरा, नाम तो सुना ही। तो दोस्तों नाम तो आपने भी सुना ही होगा रैंसमवेयर का। तो दोस्तों ये जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है काफ़ी लोगों को काफ़ी तेज़ी से, और ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। तो इसलिए जो है ये वायरस अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, और ये वर्ड भी, ठीक है। तो आपने भी तो नाम ज़रूरी सुना होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आप जो है अपने एमआई फ़ोन को किस तरह से इस वायरस से या किसी भी तरह के वायरस से जो है प्रोटेक्टेड रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली रैंसमवेयर जो है एक वायरस है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और इसका जो फैलने का तरीका है वही इसे कामयाब बना रहा है अपना काम करने पे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एक विंडो यूज़र हो तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विंडो पे जो है ये वायरस सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है। और अगर आपको अपने विंडो को सिक्योर रखना है तो आपको जल्दी से एक एंटीवायरस जो है वो डाल लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा कि आपको कौन सा वायरस रखना चाहिए, आपको किस तरह से जो है अपने वायरस को चूज करना चाहिए, एंटीवायरस को, सॉरी, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट पे कमेंट कर देना आपको। और आप एक काम करो कि आप जो है विंडो एक्सपी पे हो तो आप अपडेट हो जाओ जल्दी से 7 पे, 8 पे, 8.1 पे या फिर 10 पे, क्योंकि जो एक्सपी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी सिस्टम से निकाल दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर भी इस वायरस के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसके लिए भी जो है पेज फाइल का जो अपडेट है वो लाया है, ठीक है। तो आप अपने एक्सपी पे भी अपडेट को जो है इंस्टॉल कर सकते हो, पर अगर आप एक पायरेटेड विंडो पे हो तो आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा। तो आपको एक ओरिजिनल विंडो पे आना होगा और शायद कुछ तरीके अपनाने होंगे जिससे कि आपको ये अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों मैं हूँ राकेश और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी के डोर डोर टू टेक पे। तो दोस्तों अगर आप एमआई के फ़ोन्स यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको सिर्फ एक एंटीवायरस नहीं बल्कि तीन तीन एंटीवायरसेस मिलते हैं। जी हाँ, तीन एंटीवायरस। तो मैं आपको आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको इन तीनों एंटीवायरसेस को जो है एक्टिवेट करना है और इनको यूज़ में लेना है ताकि आपका जो डिवाइस है वो सिक्योर रह सके, ठीक है। तो चलो पहले तो आप अगर यहाँ पर जाते हो सिक्योरिटी के ऑप्शन पर, ये जो ऐप है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे कि क्लीनर का ऑप्शन है जो कि हर फ़ोन में हमें अलग अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है हर ऐप को, पर इसमें जो है पहले से ही हमें इस एक ऐप के अंदर ये सभी ऐप को जो है दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम जाने वाले हैं ये वायरस स्कैन का ऑप्शन पर, जो कि एंटीवायरस का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो स्कैनिंग है वो चलेगा इसमें एंटर होने के साथ ही, और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्कैन हो रहा है ये काफ़ी फास्ट स्कैन हो रहा है, शायद ये 10 सेकेंड में फुल स्कैन हो चुका है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो इसके सेटिंग्स पे जाते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस। तो दोस्तों आप जो भी एंटीवायरस यूज करो, चाहे आप विंडो पे यूज करो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आपको अपडेट डेफिनेशंस का ऑप्शन दिखेगा ही दिखेगा। तो ये होता क्या है, तो देखो ये डेफिनेशंस जो है ये एंटीवायरस का जो होता है, जो एंटीवायरस हम यूज करते हैं उसके अंदर एक डिफिनेशन होता है कि कौन सा वायरस किस तरह से काम कर रहा है या फिर उस वायरस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो हमारा जो एंटीवायरस है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा वायरस आपके सिस्टम में आया है, कौन सा फाइल वायरस है, कौन सा फाइल वायरस नहीं है। एक्चुअल में ये हम कह सकते हैं कि कौन सा फाइल वायरस है, कौन सा फाइल वायरस नहीं है, वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, इसलिए ये डेफिनेशंस होते हैं। और जो भी एंटीवायरस होते हैं वो अपने डेफिनेशंस को जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं ताकि जो नए वायरसेस जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो अगर आपके सिस्टम में आते हैं, अगर कल ही कोई वायरस बना है और अगर वो आज आपके सिस्टम में आ रहा है, तो अगर वो कंपनी आपका जो एंटीवायरस का जो कंपनी अगर उसने अपने डेफिनेशंस को अपडेट कर रखा है और आपको वो अपडेट दिया है तो वो वायरस आइडेंटिफाई हो जाएगा, वायरस पकड़ा जाएगा और फिर उसको आप रिमूव कर सकते हो अपने एंटीवायरस के थ्रू। तो यही काम करता है यहाँ पे डेफिनेशंस हमारे एंटीवायरस के अंदर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशंस जो लिखा हुआ है इसमें आपको टेंसेंट लिखा हुआ दिख रहा है, और अगर आप इसमें क्लिक करते हो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, एवीएल, अवास्ट एंड टेंसेंट। तो फ्रेंड्स टेंसेंट जो है वो चाइना का होता है, मतलब कि चाइना के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन टेंसेंट वो उनका एंटीवायरस है, वो उन पर पूरे डेफिनेशन जो है उन पर रखते हैं, और कह सकते हो उनका एक डेफिनेशन है जो कि उन पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको दिख रहा होगा AVL, तो फ्रेंड्स AVL वर्ल्ड लेवल पे काम करता है और ये काफ़ी नामी डेफिनेशन माना जाता है, मतलब कि
काफ़ी कंपनीज़ जो है इनको यूज़ में लेते हैं, काफ़ी सारे सिक्योरिटी वाले जो कंपनी है वो AVL को यूज़ में पार्टनरशिप के तौर पर रखते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अवास्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो अवास्ट तो आपने भी जान सुना ही होगा कि अवास्ट एक अच्छा एंटीवायरस है और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो यहाँ पर हमको तीनों ही ट्रस्टेड डेफिनेशंस मिलते हैं इस एक एंटीवायरस के अंदर, तीन तीन डेफिनेशंस मिलते हैं। ज़्यादातर हमें एक एंटीवायरस के अंदर एक ही डेफिनेशन मिलता है, चाहे फिर आप वो विंडो पे यूज़ करो या कहीं भी यूज करो, ठीक है। और मे बी कि अगर उस पर ज़्यादा डेफिनेशंस रहते हो तो वो हमसे हाइड करके रखते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं रहता है, पर 99.9% पे जो केस होते हैं जो एंटीवायरस के उन पे सिर्फ एक ही डेफिनेशन वर्क करता है उनका खुद का, ठीक है। और यहाँ पे हमें MI जो है इन तीनों डेफिनेशन के साथ फ़ोन देता है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ही अनेबल कर लेना है, ओके। और आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप इन तीनों को एक साथ यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन जो है वो स्कैन होने में कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसको आपको ओके कर देना है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, आपको इसको ओके कर लेना। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक एक्सेप्शन का ऑप्शन है सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट करके नहीं रखना है, ताकि आपका एंटीवायरस जो है आपके टोटल फाइल्स को जो है स्कैन कर सके, आपके सिस्टम के आपके फ़ोन में जितने भी फाइल्स हैं उनको, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी आइटम्स डाल के नहीं रखने हैं, इनको पूरा इनपटी रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली अपडेट डेफिनेशंस का ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पे जो है तीनों ही एंटीवायरसेस का ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है, मतलब कि अगर इनमें से किसी का भी वायरस मतलब ये सॉरी डेफिनेशन अपडेट आता है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, और अगर आपको मैनुअली करना है तो यहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसको कर ले। यहाँ पे बोल रहा है अपडेट्स आर बिगर, मतलब कि अपडेट्स ज़्यादा बड़े लग रहे हैं इसलिए थोड़ा ये वाईफाई मांग रहा है, तो इसको वाईफाई देना होगा, ठीक है। बाकी आप फ़ोन से भी कर सकते हो कभी कभार अपडेट, ओके। देन यहाँ पे हमें दिख रहा है स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग का ऑप्शन, मतलब कि आपके जो भी APK फाइल्स है वो जब इंस्टॉल होते हैं तो उनको पहले स्कैन किया जाएगा, देन उसके बाद जो है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, इसको भी आपको अनेबल करके रखना है, ओके। ये पूरा सेटिंग हो गया हमारे इस एंटीवायरस का MI फ़ोन के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर बैक करने के बाद आप फिर से एंटीवायरस पे जाते हो तो आप देखोगे आपके जो फाइल है वो स्कैन होने में इस बार थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि अगर एक एक सिस्टम मतलब एक फाइल को तीन तीन एंटीवायरस जो है स्कैन करेगा तो कुछ तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखो जल्दी से ही ये स्कैन हो चुका है, ओके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो लॉन्चर है ये कौन सा है और ये किस तरह से, ये फ्रेंड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्चर्स अभी तक यूज़ किए हैं फ़ोन पे एंड्रॉयड फ़ोन्स पे, ठीक है, पर ये लॉन्चर मुझे सबसे बेस्ट लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ईजिली बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, और इधर आप अगर स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप जो मोस्ट यूज़ जो ऐप करते हो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलता है। इस विंडो पे आपके वो मिलते हैं जिनको आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाता है जो कि कोई किसी भी ऐप को यूज़ नहीं करता, ये अपना रिमाइंडर यूज़ करता है। इसी पे आपको बैकअप भी मिल जाता है अपने रिमाइंडर्स का। फिर यहाँ पे आपको नोट्स मिलता है, ओके। यहाँ पे कैलेंडर का जो भी इवेंट्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक पैनल भी दिया गया है जिसको आप शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ फ्यूचर थे इस लॉन्चर के, अगर आप चाहते हो इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, और ये किस तरह से इसको सेटअप करना है प्रॉपर तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उस वीडियो में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ओके। तो चलो बाय, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और लाइक भी कर देना।